हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देख रहे हैं 72 हूरों के दलाल। चलो देखें तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो है कि वो टीजर, अभी मूवी तो आई नहीं है, जैसे टीजर आया है इतनी मतलब इसके बारे में बातचीत होने शुरू हुई है कि इट इज़ अमेजिंग। तो देख लो कितना डिफरेंस और कितना मतलब एक मूवी आने से कितना सोसाइटी में जो है आप देखते हो चेंजेस आ रहे हैं, या एटलीस्ट चेंजेस की होप के लिए एटलीस्ट बातचीत तो हो रही है। तो वो देख के अमेजिंग लगता है कि मूवीज बननी चाहिए उस टाइप की जो सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। तो चलो शुरू करें। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसड़ों तवायफों की ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। क्या समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंसका रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो, बताएं। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो होगी, इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे सोरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की तीन गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? चलिए साहब, पढ़ाई की है 25 साल, पढ़ाई की है इस्लाम पर, 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है, इसका देख भी लिया। मुसलमान भाइयों को ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो यह माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें दो फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे, कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्निड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए हमेशा,
याद रखा जाए तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो, तो ये तो कहानी हो गई 70 72 की। अब वो 70 72 हुरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे कि 70 72 यूरो का क्या मतलब है। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम ये है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुहाई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है। अब मुसलमान इस बात पर फिर विरोध कर रहा है, चिढ़ रहा है कि ये पिक्चर गलत है, इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आलिम मौलाना इस पर क्या बोलते हैं। अब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, ये पाकिस्तान के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, माशाल्लाह बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत मैं इनकी इज्जत करता हूं, इनका नाम मुझसे नहीं ले सकता, एक मिनट एक्टिंग इनके हाथ तो नहीं चूम सकता, बस नाम लेके अपनी आंख ही चूम लेता हूं। तो सुनते हैं ये क्या बोलते हैं 70 हूरों के लिए, ये सच है या गलत है। इसका नाम है बैदा, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क अंबर जाफरान काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ, तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत के हूर की आवाज होगी। इनका कहने का मतलब यह है मौलाना साहब का कि डिस्कोथेक की तरह से पूरे में म्यूजिक चलना वहां पर शुरू हो जाएगा। आगे सुनते हैं। 70 साल का होगा। मैं कहा वाह मेरा मौला, तूने पहला गाना ही 70 साल का रखा। उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए, उंगली दिखा दे सूरज को तो सूरज नजर ना आए, तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा उसके। 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं, जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है तो पूरी जन्नत में सर्च लाइटें जलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। 7 समंदर में थूक डाल दे, 7 समंदर में, तुम्हारे ये करीब समंदर है इंडियन ओशन और उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ। पैसिफिक भी उधर पैसिफिक भी उधर है केप टाउन की तरफ, साला पैसिफिक नहीं हो गया कोई तलैया हो गया। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। क्या गंदी बातें करते हैं। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले चट लोगे। की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून पखाना नहीं, ला यमतखतून कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी बादशाही मोहब्बत खूबसूरती कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, लड़ाई दंगा फसाद भी गया। लड़ाई दंगा फसाद सिर्फ दुनिया के लिए है। लड़ाई दंगा फसाद भी नहीं है ऊपर, वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है, भी आप बाद में समझा दूंगा क्या है। आगे सुनते हैं पहुंचे हुए मौलाना, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, बस इनका नाम जब मुझ जुबान पर आता है तो अपने आंखों में बस इनका नूर रख लेता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा, चल जैसे तेरा रब हमेशा है अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह। अरब में ही माशाल्लाह बहुत तकरीरें करते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। हमें ये देखना है कि ये 72 हूरों फिल्म पर जो मुसलमान भाई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो जूते चल रहे हैं, ये क्या ये एक प्रोपोगंडा है या मुसलमान आलिम मौलाना इसका जिक्र करते हैं, बस इतना देखना है, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब की तकरीर सबसे अच्छी है, इन्होंने जो तकरीर करी सबसे अच्छी करी। एंड प्लीज टाइटन योर अंडरवियर्स। कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा, तुम यहां मैली कुचेली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो। मैली कुचेली बीवियां। कितनी इज्जत दे रहा है ये मुसलमानों की बीवियों को, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लव हो गया, मैं लव करता हूं,
सुनो जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों खुजड़ों खसरों तवायफों की कैसे लोगों को क्या सिखाते हैं। एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ावजल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल ना लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो। ज्यादा दिल ना लगाओ, ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ, देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब, यही मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूँ। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार, अपना इबादत करो, चार दिन की जिंदगी है, उहूरों उहूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं, ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं, लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का ये। अब सुनो, हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरे सुब्रत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से, ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए, 70 जोड़े कपड़े के होंगे, कितने जोड़े, अजीब बातें कर रहे हैं, 70 नहीं 70 सुनो पहले, वो क्या बोल रहा है बदतमीज, 70 जोड़े बात कर रहे कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा, जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई, अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा, और यकीन यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहां पर जन्नत का, ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर, एक मिनट, जब इनका ऐसो का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम, फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना, ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दिए, और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है, ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटर छाप। आगे चलो, और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो समझ गए ना, अबे समझ जाओ बदतमीज, हंसका रहे हो, आगे सुनो बदतमीज कहीं के छिछोरे, आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी, वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100-100 मर्दों की कुव्वत।
क्या क्या लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट बता तो रहे हैं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो होगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको मेरे पास आओ। ये नहीं कह सकेगी, वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसे मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हुरों को ना ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा, इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये, उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मीन्स टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हों, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हों, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हों, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हों, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने तीन मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं, ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट इज जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं ये, 7000 इसमें हदीस हैं, और ये जो प्रिंट होके आई है ये दारुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दारुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद। बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सही अल बुखारी साहब की दारुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है वहां इसको एडिट किया गया है, वहां इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहां से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहां से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज, आप पढ़ रहे हैं, द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद इन द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है, फॉर द प्राइस दैट देयर शैल बी द पैराडाइज, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, दे फाइट इन अल्लाह कॉज सो दे किल एंड आर किल्ड, स्पष्ट लिखा है। ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर, चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर वन जिहाद के ऊपर नंबर वन लिखा है, मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह कॉज विद फुल फोर्स ऑफ नंबर्स एंड वेपनरी इज गिवन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन इस्लाम इज वन ऑफ द पिलर्स ऑन विच स्टैंड्स बाय जिहाद इस्लाम एस्टैब्लिश्ड अल्लाह वर्ड इज सुपीरियर By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into an inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहां पर अंडर फाइन प्रिंट में वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद, और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इवन इन मलिक, द प्रॉफिट सेड नो बडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह वुड विश टू कम बैक टू वर्ल्ड, कि जो भी मर के अल्लाह के पास चला गया वो कभी वापस आना नहीं चाहेगा, इवन इफ ही वर गिवन द होल वर्ल्ड एंड वॉट एवर इज इट एक्सेप्ट द मार्टियर हु सीइंग द सुपीरियरिटी ऑफ मार्टिरडम
वुड लाइक टू कम बैक इन द वर्ल्ड एंड गेट किल्ड अगेन। ये हदीस फरमाती है सैयद बुखारी साहब की कि कोई एक बार मर के अगर ऊपर चला गया अल्लाह के पास तो वो वापस नहीं आना चाहेगा सिवाय एक जिहादी के जो शहीद हुआ, और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है। तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए, वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं। तो जो आपने मौलाना साहब को सुना और जो मैंने सही और बुखारी की आपको दो हदीस बताई, इसमें करीबन 370 हदीस हैं, इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वॉयलेंट जिहाद पर है, वॉयलेंस पर है। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वो ही मतलब है गटर छापो, मुझे ना समझाना सेक्युलरिज्म के नाम पर, ये किसी और को जाके छुटिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कायदे से खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वॉयलेंट जिहाद है। तो मैं दो रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दरअसलाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वो कितना पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे, भारत से कितना पहुंचा, कहीं से कितना पहुंचा, वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ता यही है, 72 हूरों की कहानी और ये हदीसे, यही कॉकटेल है। एग्जैक्ट करके लोगों को समझाया है, और यस ये पूरा एक लिटरेचर है, ये पूरा सिंडिकेट है जो इन बातों के नाम पर लोगों को टेरर की तरफ और एंटी नॉन मुस्लिम की तरफ, एंटी काफिर की तरफ करता है। कल बात करेंगे जो डिबेट में बदतमीजी हुई उन दो स्वरों को लेके। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। बहुत शॉकिंग था, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। मैं तो कई बार, मेरे को मन कर रहा था कि मैं बंद ही कर दूं, ये वीडियो मुझसे तो देखी नहीं जा रही है। जिस तरह से लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं भगवान के नाम पे और लिखा हुआ है, इट वॉज जस्ट शॉकिंग। अल्लाह के कॉज के लिए तुम ये करो, मैं पता है क्या सोच रही थी। देखिए, हम किसी और के रिलीजन पे तो कमेंट नहीं करेंगे, वो तो हर एक इंसान को अपने रिलीजन के ऊपर कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत खुशी है कि जो रिलीजन है हमारा हिंदुज़म से, बहुत खुशी है मुझे भगवद गीता की जो ग्रेट उसमें नॉलेज है उसमें खुशी है। और भगवान को प्रे करना पड़ेगा कि थैंक गॉड कि हम जो है हिंदुज़म में पैदा हुए थे और भगवद गीता इतनी महान किताब है, हम उसी के बारे में कह सकते हैं। किसी और के रिलीजन को मैं बुरा नहीं कहूँगा, वो हर इंसान को अपना देखना है, बट जो भी उन्होंने दिखाया है उससे इतना गारंटी हो गया कि बहुत खुशी हो रही है मुझे कि सही रिलीजन में भगवान ने पैदा किया। और बहुत ही ग्रेट है भगवद गीता, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, मगर इतने इससे इतना ज़रूर क्लियर हुआ कि मैं बड़ा हैप्पी हूँ अपने बुक्स के साथ, जो हमारी बुक्स कहती हैं वेरी गुड। मैं तो उस जो भगवद गीता कहती है अमेजिंग है, मटेरियल चीजें नहीं करती, कुछ नहीं करती। हाँ? मुझे खुशी है वो तो मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करने करते हैं, ये तो इतना वो कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक ऊपर जाओगे तो सारा मटेरियलिस्टिक से भी वो उस टाइप की चीजें बता रहे हैं। भाई साहब वो यही कह रहे हैं कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई रेफरेंस नहीं है, जैसा भी बता रहे हैं उन्होंने दिखाया था, जो रिटन दिखाया था उसमें कोई रेफरेंस नहीं था। वो खुद कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने दो चीज़ें कंबाइन करके कुछ बना दिया है, आई डोंट नो, बट वो तो वो ये कोशिश जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वही और क्लैरिटी दे सकते हैं। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए लोग आ रहे हैं, वो उनकी आर्ग्यूमेंट्स के टाइम आप ये किताब दिखा के फिर उनसे पूछो कि तुम इतना जो 72 हूरे मूवी बनी है उसके अगेंस्ट जा क्यों रहे हो, जब तुम्हारे यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं तुम्हारे लोग जो हैं वो ऐसा बोलते हैं, ये बुक्स में भी लिखा है जो वो स्पेशली उन्होंने ऑर्डर करके मंगवाई है। तो वो कह रहे हैं कि इसका जवाब दो,
तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। मेरे लिए तो, मेरे से तो सुना नहीं जा रहा था, सच्ची बताऊँ, वेरी वेरी शॉकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।